हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना इंडिया टू यूएस ट्रैवल ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है ट्यूसडे का दिन और मेरी फ्लाइट है वेंसडे अर्ली मॉर्निंग। तो अभी मैं निकली हूँ अपना कोविड टेस्ट कराने के लिए, बिकॉज कोविड टेस्ट विद इन 24 आवर्स होना चाहिए आपके फ्लाइट टाइम से। इसीलिए मैं ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग निकली थी अपना कोविड टेस्ट कराने के लिए। हम आए हैं तिलक नगर, यहाँ पे है ये स्टार इमेजिंग पैथ लैब जहाँ पे हमने अपना टेस्ट कराया था। यहाँ पे आने के बाद हमने फॉर्म फिल किया, उसमें ऑप्शन थे कि आप ये टेस्ट क्यों करा रहे हैं, तो हमने उसमें ट्रैवल पर्पस टिक किया था। एंड द ओनली डॉक्यूमेंट दे आस्ट फॉर इज आर पासपोर्ट। तो मैं अपना और गोविंद दोनों का पासपोर्ट लेकर आई थी साथ में। एंड बस अब हम लोग अपना टेस्ट करवाएंगे। एंड टू बी ऑन द सेफर साइड, मैंने हम दोनों का ही RT-PCR एंड रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया था, जस्ट इन केस अगर RT-PCR का रिजल्ट हमें इन टाइम नहीं मिल पाता तो हमारे पास रैपिड का टेस्ट रिजल्ट रहता। तो इसीलिए मैंने दोनों करवाए थे। वैसे तो अब इतने सारे केसेस नहीं है, इतने सारे लोग टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं, तो रिजल्ट आ जाता है 4-5 घंटे में ही। हमें दोनों के रिजल्ट मिल गए थे, जो कि हमें अपलोड करने होते हैं वेबसाइट पे ट्रैवल से पहले। बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, मैंने दोनों का दोनों दोनों टेस्ट करवाया था। एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड 400 रुपीज। तो बस यहाँ पे एक बार मेरा नेजल स्वैब लिया गया था, एक बार थ्रोट से लिया गया था। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरा और गोविंद दोनों का टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आ गया था। मैंने ट्रैवलिंग से पहले अपने रिजल्ट अपलोड कर दिए थे एंड नाउ वी आर ट्रैवल रेडी। ये क्लिप है शाम की, मम्मी हम लोगों को मंदिर लेकर आई है जिससे कि हम लोग श्याम बाबा जी के दर्शन कर लें। मम्मी ने कहा बच्चों को और खुद को झाड़ा भी लगवा लो, क्योंकि ना सभी लोग थोड़ा सा घबरा रहे थे कि मैं अकेले दोनों बच्चों के साथ ट्रैवल करने वाली हूँ, कहीं बच्चे रास्ते में परेशान ना करने लग जाएं। एंड वी स्टिल बिलीव इन द फैक्ट कि हम लोग मंदिर जाके भगवान जी के दर्शन कर लें, उनसे आशीर्वाद ले लें, तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से हो जाता है। तो बस मम्मी ने दर्शन करा दिए थे मंदिर में। और अब ये क्लिप है रात की, जब एकदम हम लोग जाने वाले हैं घर से। अराउंड 10 o'clock में निकली थी क्योंकि मेरी फ्लाइट है रात 2 बजे की। मम्मी अब हम लोगों को तिलक कर रही है और सब लोग को ऐसा हो रहा है कि इतने दिन लंबी छुट्टी, इतना सब हम लोग साथ में रहे, इतना सारा टाइम हमने साथ में स्पेंड किया, पता नहीं एकदम से घर खाली हो जाएगा तो कैसा लगेगा। और चलते चलते भी ना मम्मी ने मेरे हाथ में पैसे पकड़ाए और मैं यही मम्मी को बोल रही थी कि अरे अब ये मेरे क्या काम आएंगे, अगर देती हो तो डॉलर्स दो, पैसे अब कुछ काम नहीं आएंगे। खैर फिलहाल मम्मी तो देती ही है, मम्मी पापा दोनों ही नहीं, बहुत सारा सामान मुझे दिया है। और अब बस मैं अपने घर के मंदिर में आशीर्वाद ले रही हूँ भगवान जी से, अपने बाबा दादी के दर्शन किए, मैंने आशीर्वाद लिया और अब हम सब कार में लोड होके जाने वाले हैं एयरपोर्ट। तो घर पे एक्चुअली कार में इतनी जगह नहीं थी, बट घर पे रुकने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, तो एकदम जैम पैक्ड आई थी कार। हमारे सबके बच्चे, 4 बच्चे थे, हम इतने सारे बड़े थे और मेरा इतना सारा लगेज था, बट किसी तरह हम लोग एडजस्ट हो गए कार में और सभी लोगों ने बोला कि नहीं हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। कोई भी घर में रुकने के लिए तैयार नहीं था। तो बस सभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और हमारे घर से एयरपोर्ट ज़्यादा दूर भी नहीं है, अराउंड 20 मिनट्स ही लगते हैं। और आ गए हम लोग टर्मिनल 3 पे। जब इंडिया आए थे तब तो इतना अच्छा लगता है ना कि आप अराइवल्स पे आए हो और कोई आपको पिकअप करने आ रहा है, बट फाइनली आप जब डिपार्चर पे आते हो तो बहुत खराब लगता है, क्योंकि आप अकेले अकेले एयरपोर्ट के अंदर घुस जाते हो और आपकी पूरी फैमिली बाहर से आपको टाटा बाय बाय करके चली जाती है। तो बस अभी मैं सबसे मिल रही हूँ। मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, इनफैक्ट वो तो रोने भी लगी थी कि तुम्हें के करके सारे बच्चे निकल गए, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही अंशुल गए, फिर मेरा छोटा भाई टोक्यो चला गया और अब हम भी जा रहे हैं, तो मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। ऐसे कल की सी बात लगती है ना कि मैं अपनी एक वीडियो में आपको बोल रही थी कि मेरे छोटे भाई की शादी फिक्स हो गई है एंड वी आर ट्रैवलिंग टू इंडिया। इंडिया में इतना टाइम रुक के अब बस वापस जाने का टाइम आ गया। तो बस चलो अब बाय बोलते हैं पूरी फैमिली को। और मेरे पास काफ़ी सारा लगेज था, जैसा कि आप देखेंगे 2 बड़े बैग थे, एक कैरी ऑन लगेज था, साथ में एक स्ट्रॉलर भी था, डायपर बैग था। तो भैया ने और पापा ने मुझे एकदम गेट पे छोड़ा, जब मैं अंदर एंटर हो गई थी तब तक वो गेट पे ही थे, मैंने कोई पोर्टर वगैरह नहीं किया था। एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते ही मैंने व्हीलचेयर के लिए रिक्वेस्ट कर लिया था, इनफैक्ट मैंने व्हीलचेयर अपनी टिकट में ही ऐड करवा लिया था। तो गोविंद को मैंने व्हीलचेयर दिलवा दी थी। व्हीलचेयर वाला अगर आप कर लेते हो ना तो आपका काम इतना ज़्यादा ईजी हो जाता है, सारा लगेज का भी वो टेक केयर कर लेते हैं। एंड यूनाइटेड से मैं ट्रैवल कर रही थी ना, तो उनका बिल्कुल एंटर करते ही फर्स्ट ही काउंटर था, तो मैंने अपना जो भी बैगेज ड्रॉप था वो कर दिया है। अब मेरे पास सिर्फ स्ट्रॉलर है, एक कैरी ऑन लगेज है एंड 2 बच्चे हैं। तो बस एक बच्चा तो आराम से व्हीलचेयर
में बैठा हुआ था और एक स्ट्रॉलर मैं कैरी कर रही थी। एंड सिंस ये स्पेशल असिस्टेंस मिल जाती है ना, तो स्पेशल असिस्टेंस की अलग से लाइन होती है, तो इमिग्रेशन कस्टम बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है। और जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे ना, वो मैं इस टाइप से फाइल में कैरी कर रही थी, जिससे कि कोई भी डॉक्यूमेंट इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि इतने सारे पासपोर्ट्स हो जाते हैं, OCI कार्ड्स हो जाते हैं, एंड और भी मल्टीपल चीज़ें हो जाती हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो सब मैंने अच्छे से फाइल में लगा लिए थे। और अब ना मेरा इंडिया का नंबर बंद हो चुका है और US का नंबर यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, तो मैंने एयरपोर्ट पे ही ना इस टाइप से वेंडिंग मशीन लगी रहती है, जहाँ पे बस अपना पासपोर्ट स्कैन किया, ये लोग स्कैन करने के बाद एक ID और कूपन कोड दे देते हैं, जो कि आप अपने फ़ोन में जब वाईफाई ऑन करोगे, एंटर करोगे, तो आपका जो इंटरनेट एक्सेस है एयरपोर्ट का, वो आपको मिल जाएगा, तो आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड हो सकते हो व्हाट्सएप या मैसेजेस के थ्रू। तो अगर आप किसी और भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, इनकेस अगर आपके पास उस कंट्री का सिम कार्ड नहीं है, तो आप एयरपोर्ट की इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हो, इट इज रियली हेल्पफुल। तो बस मैंने अपना वाईफाई कनेक्ट कर लिया था। हेलो दोस्तों, तो हम लोगों का कस्टम्स वगैरह क्लियर हो गया, बहुत स्मूथ प्रोसीजर था। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थी काफ़ी दिन से कि मैं कैसे बच्चों को लेकर ट्रैवल करूँगी, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम दोनों बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल कर रही थी मैं। बट यहाँ पे ना एयरपोर्ट में एंटर कर दी, जैसे आपने देखा मैंने व्हील चेयर कर लिया था गोविंद के लिए, सारा लगेज वगैरह उन्होंने मेरा चेक इन करवा दिया, बहुत स्मूथली मेरा सारा काम हो गया, सारा सामान मेरे साथ है, बच्चे एकदम कंफर्टेबली हम लोग आके गेट पे बैठ गए हैं। तो मैं भी सजेस्ट करूँगी, अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल करें ना, तो व्हील चेयर का ऑप्शन ज़रूर लें। हमने एक ही व्हील चेयर ली थी एंड द प्रोसेस वॉज रियली स्मूथ। तो बस अभी हम लोग बैठे हैं, हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है कुछ ही देर में, एंड देन वी विल बी गोइंग बैक टू शिकागो। आई एम एक्साइटेड, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है डैडी से मिलने के लिए। तो हम लोगों की अब फाइनल बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, एंड सिंस मैं बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी, मेरे पास एक इन्फेंट है, तो हम लोगों की प्रायोरिटी बोर्डिंग हो गई थी। एंड यहाँ पे मैंने कोई भी स्पेशल असिस्टेंस नहीं ली थी, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था, स्ट्रॉलर तो गोविंद ने ही हैंडल कर लिया था, जस्ट एक कैरी ऑन लगेज था मेरे पास। एंड जो स्ट्रॉलर होता है ना, वो आपको प्लेन के गेट पे डिपॉजिट करना होता है, तो बस मैंने अपना स्ट्रॉलर छोड़ दिया है और अब हम लोग फाइनल प्लेन बोर्ड कर रहे हैं। और जो मेरी टिकट्स थी वो यूनाइटेड में इकोनॉमी प्लस में थी, यहाँ पे काफी अच्छा लेग स्पेस रहता है, तो बच्चों के साथ ना अगर थोड़ा ज्यादा लेग स्पेस हो तो कंफर्टेबली आप ट्रैवल कर सकते हो। और यहीं पे अभी केशु का बैसिनेट लग जाएगा, जिसमें वो कंफर्टेबली सोता हुआ जाएगा। अभी मैंने फिलहाल बच्चों को थोड़ी देर छोड़ दिया है, जिससे कि वो भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि एक बार प्लेन चलेगा तो फिर वो लोग भी बन के बैठेंगे ही बैठेंगे। एंड इट वॉज अ लॉन्ग फ्लाइट, अराउंड 16 एंड हाफ आवर्स लगे थे, डायरेक्ट फ्लाइट थी दिल्ली टू शिकागो। एंड ये देखिए केशु बैसिनेट में आराम से सो रहा है, हालांकि अब बैसिनेट उसको थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, क्योंकि अब वो 1 ईयर प्लस हो गया है, तो उसकी हाइट भी बड़ी हो गई है, बट स्टिल ही कुड मैनेज टू स्लीप इन दैट। एक ऐसा ब्रीफ पीरियड आया था जब उसने मुझे परेशान करना शुरू किया था प्लेन में, क्योंकि जब वो उठ रहा था ना, तब वो चाहता था कि वो बैठे नहीं, बस वो भागे, तो उस टाइम पे उसे हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, अदरवाइज दोनों बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल थे। एंड यूनाइटेड का खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था, इनफैक्ट जो हम घर से खाना बनवा के लेकर भी आए थे, हमें खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, गोविंद और मैंने तो जो फ्लाइट में खाना मिल रहा था वही खाया, और केशु ने इस वाली फ्लाइट में कुछ ज़्यादा खाया नहीं, वो ज़्यादातर दूध पे ही रहा, तो मैं घर से ही दूध लेकर आई थी। एंड अब हमने प्लेन डीबोर्ड कर लिया है, हमें गेट पे ही अपना स्ट्रॉलर मिल गया था, एंड यहाँ पे तो हमने कोई भी स्पेशल असिस्टेंस नहीं ली थी, स्ट्रॉलर वॉज हैंडल्ड बाय गोविंद एंड आई वॉज हैंडलिंग द अदर डॉक्यूमेंट्स एंड स्टफ। तो हम लोगों का कस्टम क्लियर हो गया है, सारा हमारा लगेज सेफली हमको मिल गया है, और अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं एयरपोर्ट से, और गेट पे ही हमें हमारे डैडी मिल गए थे। बच्चों तो एकदम खुश हो गए थे डैडी को देखते, स्पेशली गोविंद को बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं डैडी से मिलूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना बच्चों को, ऑलमोस्ट मंथ हो गया अपने डैडी को देखे हुए। एक बार को तो हमें लगा था कि केशु शायद पहचाने ना, बट ही वॉज ओके, उसने अपने डैडी को तो एकदम से पहचान लिया था। तो बस अगर आपके फैमिली मेम्बर्स मिल जाते हैं ना एक बार एयरपोर्ट पे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस अगर आपको बोलूं, तो मुझे बच्चों के साथ ट्रैवलिंग में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। हाँ, एक दो बार ऐसा लगा कि केशु परेशान कर रहा है फ्लाइट में, बट आई कुड मैनेज दैट, एंड सिंस डायरेक्ट फ्लाइट थी तो एकदम ईजी रहा मेरे लिए ट्रैवलिंग। तो बस अब हम लोग पहुंच गए हैं शिकागो, एकदम से वेदर बहुत डिफरेंट हो गया है हम लोगों के लिए, क्योंकि दिल्ली से जब चले थे तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और शिकागो में थोड़ा ठंडा सा ही है अभी भी मौसम, 14-15 डिग्री, एकदम ठंड सी लग रही थी एयरपोर्ट से निकलते वक्त। बट या इट्स गुड टू बी होम, घर आके तो अच्छा लगता है, बट हाँ जो फैमिली पीछे छूट जाती है उसकी बहुत याद आती है। तो यहाँ पे हम लोगों को लगेज वगैरह मिल गया था, अब हम लोग अपनी कार में सब सामान रखे बस निकलेंगे घर की तरफ।
अच्छा लग रहा था इतने टाइम बाद वापस से अपने घर जाना, बट एट द सेम टाइम अब ये नहीं पता कि हम इंडिया फिर कब जाएंगे, अपनी फैमिली से कब मिल पाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि यार पता नहीं अब कब जाना होगा। मन लगते लगते थोड़ा सा टाइम लग जाता है और पहुंच गए अपने घर। अंशुल ने थोड़ी सी गार्डनिंग भी करी है जो कि हम लोगों के लिए सरप्राइज था, वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे बच्चों के लिए मेरे लिए कुछ कुछ चीजें उन्होंने लेके रखी थी एज अ सरप्राइज। अच्छा लगता है ना बच्चों को भी कि वो इतने टाइम बाद फैमिली से निकल के एकदम अकेले जगह पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये दोनों अकेले ही एक दूसरे के साथ खेलेंगे, तो उनके लिए कुछ नए टॉयज रहे, कुछ चीजें रहे, तो बच्चे भी एक्साइटेड रहते हैं। और अंशुल ने मेरे लिए ये फ्लैट आयरन भी लेकर रखी थी, तो ये सारा सामान हमें सरप्राइजेस में मिला। यस, इट्स गुड टू बी होम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसा कि आपने देखा हम लोग सेफली घर पहुंच गए हैं। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत सारे बेस्ट विशेस मिले थे सेफ जर्नी के, हैप्पी जर्नी के। सो फाइनली दोनों बच्चे एकदम सही हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ कि दोनों बच्चों को जेट लैग एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म हो जाए, तो मैं ना बच्चों को दिन में बिल्कुल भी नहीं सुलाया, कोशिश कर रही हूँ उनको थोड़ा आउटडोर्स ही रख रही हूँ। अभी शाम के 8 बज रहे हैं, हम लोग पार्क में आ गए थे ये सोच के कि बच्चे थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे, फिर रात में थक के आराम से सो जाएंगे। तो होता क्या है ना, अगर आप पूरे दिन ना सो तो रात में नींद आ जाती है, उसके बाद जेट लैग एक दो दिन में ही ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज ना जेट लैग ड्रैग होता रहता है, फिर एक हफ्ते तक बच्चे परेशान करते हैं। तो मैं भी दिन में नहीं सोई, बच्चे भी नहीं सोए, बट केशु को जैसे ही हम बाहर लाए थे वो स्ट्रॉलर में सो गया। अब बस घर जाएंगे एंड मैं बच्चों को दूध वगैरह देके सुला दूंगी। और फ्लाइट की बात करें तो मैंने इन फ्लाइट इस बार ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि बच्चों के साथ मैं अकेली थी। केशु ने थोड़ा बहुत मुझे तंग किया, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट थी तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। जैसा कि मैंने दिखाया था दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने व्हीलचेयर कर लिया था, तो सारा प्रोसीजर बहुत स्मूथली हो गया था। हमने बोर्डिंग कर ली थी, उसके बाद एक बार फ्लाइट में आप बैठ जाओ तो आप पहुँच तो जाते ही हो। बट हाँ, इन फ्लाइट केशु ने 2-3 बार ऐसा हुआ कि उसने बहुत ज़्यादा तंग किया, बट वो भी मैनेज हो गया। एंड यस, एयरपोर्ट पे हमारे कस्टम वगैरह क्लियर बहुत जल्दी हो गया था, फिर हम लोग अंशुल आ गए थे तो मिल गए थे फटाफट, हम लोग घर आ गए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। यूनाइटेड एयरलाइंस बहुत अच्छी है, खाना वगैरह इन फ्लाइट बहुत अच्छा था, जबकि मम्मी ने खाना घर से काफ़ी पैक किया था मेरे लिए, गोविंद के लिए पराठे वगैरह, बट उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इन फ्लाइट भी खाना बहुत अच्छा मिल गया था। तो बस यही था, और मैं बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ इंडिया से। अब आपको किसी और ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं भी शेयर करूँगी मैं इंडिया से क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। आई होप आप वो भी ब्लॉग एंजॉय करेंगे। एंड या विद दिस आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग हियर। होप करती हूँ आपको ये ब्लॉग हेल्पफुल लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड सी यू ऑल इन कॉमेंट्स। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। गोविंद, डू यू वांट टू से समथिंग? कम कम कम। हेलो दोस्तों, हम लोग शिकागो वैसे भी पहुंच चुके हैं, नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर करना मम्मा के चैनल पे। थैंक यू, नो प्रॉब्लम एंड यू आर वेलकम।